आप देख रहे हैं आहट एक अनहोनी की। हमारी आज की कहानी के लेखक हैं दिलीप जी। तो आइए बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। नया नया मजदूरी का काम मिला था मुझे उस समय। ओडिशा से सूरत आया हुआ था मैं रोजगार के लिए। काफी समय बीत जाता था रात को छुट्टी होते होते। कुछ मजदूर भाइयों के अपने गांव वापस चले जाने से मेरा काम और भी बढ़ गया था। सेठ ने ही एक खोली दे रखी थी मुझे, लेकिन हमारे गोडाउन से दूर थी। कई बार मुझे पैदल ही जाना पड़ता था। गोडाउन से खोली पर जब रात को देर से छूटता था, तकरीबन आधा घंटा लग जाता था पैदल घर पहुंचते पहुंचते। एक दिन ऐसे ही काम खत्म होते होते काफी देर हो गई थी मुझे। काम खत्म करके मैं घर लौट रहा था। तब रास्ते पर किसी का आना जाना नहीं था। रास्ता बिल्कुल सुनसान था, तो छोटे से छोटी आवाज भी बड़ी सुनाई दे रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई कुल्हाड़ी चला रहा हो, और वो आवाज मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी कि ये कुल्हाड़ी की ही आवाज थी। वैसे तो मैं गांव से था और जल्दी डरता नहीं था, लेकिन इस आवाज से पता नहीं क्यों मन में कुछ घबराहट सी हो रही थी। मैंने आवाज पर ध्यान नहीं दिया और जल्दी जल्दी घर चला गया। अगले 2-3 दिन काम जल्दी ही पूरा हो जाता था, तो मैं समय रहते ही घर पहुंच जाता था। कुछ दिन बाद फिर से ज्यादा काम की वजह से मुझे देर हो गई और देर रात को ही मैं घर के लिए निकल पाया। मैं जैसे ही उस रास्ते पर पहुंचा, फिर से वही कुल्हाड़ी की आवाज शुरू हो गई और अब वो धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई कुल्हाड़ी लेके मेरे पीछे ही खड़ा हो। तभी मेरी नजर नजदीक की झाड़ियों पर गई, जहां एक आदमी बहुत से इमली के पेड़ों के नीचे बैठा था और जोर जोर से कुल्हाड़ी पटक रहा था। वो कुल्हाड़ी लेकिन लकड़ी पर नहीं मार रहा था, ये भी साफ तौर पर पता चल रहा था। वो आदमी मुझे देख गया और मुझे देखते देखते उसने अपने बगल में बैठे आदमी का सर उड़ा दिया। ये देखकर मैं डर के मारे चिल्लाने लगा। तभी मैंने देखा कि सर उस आदमी ने काट दिया था। वो सर कटा एक कुल्हाड़ी लेकर के मेरे तरफ बढ़ने लगा। मैंने आप देखा ना ताव और सीधा घर तरफ दौड़ लगाई। बिजली जैसी दौड़ लगाकर मैं घर पहुंचा। पूरी रात उसी सरकटे के खौफ से कांपते कांपते सारी रात बिताने के बाद दूसरे दिन मैंने अपना घर बदल लिया था, ताकि मुझे दोबारा उस खौफनाक रास्ते से गुजरना ना पड़े। मैंने कभी भी ये जानने की कोशिश तक नहीं की कि वहां आखिर है क्या, और ना मैं जानना ही चाहता हूँ। ये थी दिलीप जी की भेजी हुई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कहानी है तो मेरे साथ मेरे ईमेल पर जरूर शेयर करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली कहानी में। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।